नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। एखनो गठबंधन की निरंतरता देवाक सत्ता गठबंधन में सहमति, चुनाव के नतीजा गठबंधन के आवश्यकता पुष्टि के जिक्र। वाम गठबंधन के लिए सेहो प्रयास जारी, सोमदिन माओवादी अध्यक्ष प्रचंड एमाले सचिव महासेठ बीच भेटवार्ता। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा उपमहानगरपालिका में 7 सूत्रीय ज्ञापन पत्र पेश। मृत्यु के विषय के लकर बारा के चितपुर में प्रदर्शन, प्रदर्शन के कारण दिन भर सड़क अवरुद्ध। अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट के उपाधि सुदूर पश्चिम के लुम्बिनी 6 विकेट से पराजित। अब समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ गठबंधन में आबद्ध दल सब एखनुख गठबंधन के निरंतरता देव सहमत भेलै छ। प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन के समीक्षा कर सोम दिन दोपहर में प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सत्ता गठबंधन में आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के विचार से एहन निष्कर्ष निकालल गेल छ। बैसार के बाद संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करित ओ सब निर्वाचन के नतीजा से वर्तमान गठबंधन के आवश्यकता आ सान्दर्भिकता के समेत पुष्टि कर देने उल्लेख कलक। निर्वाचन के नतीजा से राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि के बाट में एक दूसर से सहमति आ सहकार के साथ अगाड़ी बढ़ा पर बाक संदेश दिल गेल आ वही अनुसार अगाड़ी बढ़वाक सहमति बैसार में कैल गेल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री समेत रहल कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलने। बैसार से निर्वाचन के दौरान में गठबंधन के केन्द्र से गेल निर्देशन आ निर्णय सब कतेको निर्वाचन क्षेत्र में कार्यान्वयन नहि भेल स्वीकार करित ओकर उचित समीक्षा संबोधन करित अगाड़ी बढ़वाक निर्णय समेत कैल गेल। कतिपय ठाउँमा असहयोगहरु भएका छन् र गठबन्धनको पनि जसरी एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा केही समस्याहरु देखिएका छन्। तिनीहरूलाई हामी समीक्षा गरेर यहाँ पनि उल्लेख गरेका छ, समीक्षा गरेर त्यसलाई आगामी दिनमा त्यस किसिमका घटना नदोहोरिन दिनका निमित्त गठबन्धन कटिबद्ध छ। बैसारसा निर्वाचनमा सहभागी आ मतदाताके हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करित नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के सांसद सब के बधाई तथा कार्यकाल के पूर्ण सफलता के कामना समेत कैल गेल। निर्वाचन के शांतिपूर्ण रूप में सम्पन्न करे नेपाल सरकार आ वही में संलग्न निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, संचारकर्मी, नागरिक समाज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचन पर्यवेक्षक प्रति समेत आभार व्यक्त कैल गेल। मंत्री कार्की बतौलने। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ नेकपा एमालेक सचिव रघुवीर महासेठ बीच भेटवार्ता भेल। भेट के लिए महासेठ प्रचंड निवास खुमलचार पहुँचल छलनि। भेट में उसब एक दोसर के बधाई तथा शुभकामना देने बताल गेल। सत्ता गठबंधन के विसार बैस से पहले महासेठ प्रचंड के भेटलक। सत्ता गठबंधन सरकार बनवाक हल्ला के बीच एमाले आ माओवादी के दोसर तह के नेता सब ओली आ प्रचंड के मिलावत सक्रियता बढ़ा रहल। वाम एकता कह देश के निकास देवाक एखन के आवश्यकता भेल कहित एमाले आ माओवादी के नेता सब सक्रियता बढ़ौने बताल गेल। दीपक मनांगे कहयवला राजीव गुरुंग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में प्रवेश कलने। गंडकी प्रदेश सभा सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित भेल मनांगे विज्ञप्ति जारी करित एकीकृत समाजवादी में प्रवेश कने जनौलक। अपन विचार आ सिद्धांत मिलला से एकीकृत समाजवादी के छनने ओ बतौलने। पूर्व प्रदेश मंत्री मनांगे मनांग एक ख से स्वतंत्र उम्मीदवारी देने छलथि। दोसर उम्मीदवार दोर्जे लामा गुरुंग नाम फिरता लेला बाद मनांगे निर्विरोध निर्वाचित भ गेल छलथि। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत कोनो दल मनांगे विरुद्ध उम्मीदवारी नहीं देने छल। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के सांसद जूली महतो जनकपुर धाम स्थित रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी कैंपस के अनुगमन के लिए नवनिर्वाचित सांसद महतो सोम दिन राराब कैंपस के विभिन्न कक्षा कोठली सब तथा प्रयोगशाला के निरीक्षण कलने। ओहि क्रम में कैंपस में भेल भौतिक संरचना के अवस्था के विषय में कैंपस प्रमुख संगे जानकारी लेने छलथि। अनुगमन के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करित सांसद महतो देश के धरोहर के रूप में रहल राराब कैंपस भौतिक रूप में जीर्ण भेलो पर राज्य के ध्यान पहुँच नहीं सकल कहित दुख व्यक्त कलने। वो विभिन्न क्षेत्र के चर्चित व्यक्ति सब यह कैंपस से अध्ययन कने भेलो पर कैंपस के अवस्था सुधार में क्यों ध्यान नहीं देने टिप्पणी कलने। कैंपस के भौतिक संरचना के संगे विद्यार्थी सबक आवश्यकता पूरा कर तीनों तह के सरकार के चाँख दिल जेबाक चाही हुनक कथन। सभी कोई जनकपुर धाम के राजनैतिक
विद्वानी उद्योगी व्यवसायी किसान सबको यही अही कलेज से अगड़ी बढ़े लेकिन अहिके अवस्था अभी जो देखिए भौतिक संरचना से लकर जत प्राविधिक सब हो चाहिए वही कमी कमजोरी है जो राज्य वो अपन दायित्व जति लिए के चाहिए वो नहीं लेने तै द्वारे हम चाहते कि जे एगो धरोहर एगो विश्व में पहचान रारा बहु के काल्हिके दिन के लिए अहिके भौतिक संरचना से लकर अहिके विद्यार्थी सबके आवश्यकता के परिपूर्ति करके लिए राज्य बेसी से बेसी केना कैल के अपन उपस्थित देखे तैके लिए हम बात के लिए सांसद महतो ई कैंपस के विविध पक्ष में सुधार के लिए अपना हर संभव प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनौने छले। अनुगमन के क्रम में कैंपस प्रमुख प्रदीप कुमार प्रसाद लगायत प्राध्यापक सब उपस्थित छलन। सांसद जूली महतो अपांगता भेल सब के लिए स्वयं मंत्री भेला पर बहुते काम सब केने रहितो कार्यान्वयन में ढीला सुस्ती भेल उपराग व्यक्त कलने। जनकपुर धाम में सोम दिन नेपाल अपांग संघ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र के 34वां केन्द्रीय सभा में पूर्व महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री समेत रहल सांसद महतो स्वयं मंत्री रहल बेर में अपांगता भेल सब के लिए बहुते काम करने दावी कलने। स्वयं लोने किछ योजना सब एखन समेत कार्यान्वयन में आब नहीं सकल में वो दुख व्यक्त कलने। मंत्री नहीं बनाने पर्चा भन्ने लागू पनि भइसक्यो यो हुनु पनि पर्छ लोकसेवाको चाहिँ लागू हुन सकेको छैन क्यारे त्यसमा पनि यहाँहरूले आगामी दिनमा यो लडाइँ जारी छ। त्यस्तै चाहिँ अब पूर्ण अशक्त भएको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा राज्यले रेखदेख गर्नेलाई पनि रोजगारी या उहाँहरूको चाहिँ तलबको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले त्यतिखेर उठाएको थिएँ। सरकारी संरचना सब अपांग मैत्री होब परबाक लोकसेवा में अपांगता भेल सब के लिए सीट सुरक्षित होब परबाक पूर्ण अशक्त भेल सब के रेखदेख करे वाला व्यक्ति के राज्य रोजगारी व तलब के सुविधा देब परबाक बात सब अपना सब उठान करत आयल ओ बतलने। पछिलका अपांग मैत्री भौतिक संरचना सब निर्माण होब लागल में ओ संतोष व्यक्त कलने। कार्यक्रम में नेकपा एमालेक नेता शिवशंकर साहिरा अपांगता भेल सब के लिए राज्य विभिन्न किस्म के सुविधा सब उपलब्ध करबैत आयल रहितो पहुँच वाला सब मात्र ई सुविधा उपयोग कर रहल दावी कने छलनि। पहुँच नहीं भेल सब पीड़ित सब धैर्य एखनो राज्य पुग परबाक आ एकरा लेल संबंधित संस्था सब सहयोग कर परबाक हुनक कहब छलनि। अपाङ्गहरूको निम्ति जुन सेवा सुविधा या योजनाहरू ल्याएका हुन्छन् त्यो हाम्रो सहरी ब्याङ्कमा पुगेको हुन्छ या पहुँचवाला या जसको चिन्जान हुन्छ त्यहाँनिर पुगिरहेको हुन्छ। तर संस्थाहरू अर्गनाइजेसन भनेको कसको लागि हो? अर्गनाइजेसन भनेको त्यस्ता मान्छेको लागि हुन्छ जसको आवाज उसले आफैले पुर्याउन सक्दैन। त्यस्ता आपाङ्ग साथीहरूको घरमा पुगेर उनीहरूको के समस्या छ, राज्यले दिइरहेको सुविधा उनीहरूसम्म कसरी पुग्छ भने त्यो संस्थाको दायित्व रहेको छ भने मेरो बुझाइले। कार्यक्रममा समाजसेवी रितेश सिंह अपाङ्गता भेल सबके सहयोग करबाक उद्देश्यसँग यी संस्थाके स्थापना भेल कहित एहि काजमे दत्तचित भकऽ लागल केन्द्रके पदाधिकारी सबके अनुरोध केने छलनि। ठिकै छ, फन्डको लागि दिनुपर्छ, भाडामा लाउनुपर्छ, तर उद्देश्य आफ्नो उद्देश्य नबिग्रिने गरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन हुन म यहाँका पदाधिकारी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र केन्द्रका साथ मतलब अलिक के अरे आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि यस कुरालाई बिचबिचमा गाइड गरिदिनुहोस्। सोम दिन सुरु भएल केन्द्रके सभा नयाँ कार्य समिति समेत चयन गरत। जनकपुरधाम के उद्योगी व्यवसायी सब विभिन्न सात सूत्रीय माग रखत। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोज कुमार शाह के ज्ञापन पत्र आ ध्यानाकर्षण पत्र बुझौलक। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र समेत में पर जका व्यापार व्यवसाय आ उद्योग स्थापना का कारोबार करे वाला व्यवसायी सब नेपाली नागरिक रहल ध्यानाकर्षण करबैत एक सचेत स्थानीयवासी समेत रहल नाता से स्थानीय सरकार के प्रत्येक गतिविधि के संबंध में सकारात्मक टिप्पणी आ खबरदारी करे पावे वाला अपना सबके नैतिक कर्तव्य रहल व्यवसायी सबके ज्ञापन पत्र में उल्लेख है। सरकारको प्रत्येक गतिविधिको सम्बन्धमा सकारात्मक टिप्पणी र खबरदारी गर्ने हाम्रो नैतिक कर्तव्य पनि सम्झेका छौँ। नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि गठन भएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल तपाईँको नेतृत्वमा पाएको कारण हामी ज्ञापन
कर्ता को अतिरिक्त प्रत्येक स्थानीयवासीले तपाईबाट सफा र समृद्ध ऐतिहासिक प्रदेशिक निर्माण को अपेक्षा राखेका छन् र हाम्रो पनि समृद्ध ऐतिहासिक शहरमा स्थापित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पाउने उत्कृष्ट आकांक्षा तपाईकै यसै कार्यालयमा सफल हुने अपेक्षा राखेको छु। नेपाल संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश केलाके बाद गठन भेल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाके स्थानीय सरकारके दोसर कार्यकालमे विभिन्न सरकारके विषय प्राथमिकतामा राखेका अपन कार्यकाल सञ्चालन गर कार्य सम्पादन गर ध्यानाकर्षण सहित ज्ञापन पत्र प्रस्तुत कयल गेल कहल गेल छ। पत्रमे नेपाल सरकार कृषि क्षेत्र आ गैर कृषि क्षेत्र तोड़िक नक्साङ्कन करबाक कहने लम्बा समय बितला पर समेत ओहि बमोजिम नक्साङ्कन नहि कयल गेल कारण जग्गाके किताकाट रोकल गेलमे उद्योगी व्यापारी सब नहि निक सङ्ग प्रभावित भेलासँ अभिलम्ब नक्साङ्कन कऽ पठाइबाक व्यवस्था करब माग कयल गेल छ। साथे जनकपुरधामके नगर क्षेत्रमे कृषि बजारके अभाव रहलासँ एकीकृत कृषि बजार व्यवस्थापन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाके राजस्वमे वृद्धि करबाक रोजगारीके अवसर सृजना करबाक आ उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण करबाक अपने औद्योगिक क्षेत्र स्थापना सहित सात सूत्रीय माग राखल गेल छ। नक्साङ्कन गर्ने भनेको लामो समय बित्दा पनि सो बमोजिम नक्साङ्कन गरिएको कारण जग्गाको किताकाट रोकिएकोबाट हाम्रो उद्योग व्यापार व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भएकोले अविलम्ब नाकसाङ्कन गरी पठाउने व्यवस्था गरियोस्। जनकपुरधामको नगर क्षेत्रमा कृषि बजारको अभाव रहेको एकीकृत कृषि बजार स्थापना गरियोस्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको राजस्व वृद्धि गर्ने रोजगारी अवसर सृजना गर्ने र उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने आफ्नै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरियोस्। ज्ञापन पत्र बुझैत जनकपुरधामक प्रमुख मेयर शाह अपना सबके विभिन्न काम के प्रक्रिया सब पाइपलाइन में रहल कहित आब जल्दी वार्ड आ नगर स्तरीय भेला क कृषि आ गैर कृषि क्षेत्र सब छुटिया क योजना सब अगाड़ी बढ़ेबाक बतौने मीटिंग क प्रत्येक वार्डा के वार्ड स्तरीय मीटिंग क अपने वार्ड से अहाँ की चाहे कौन के वर्गीकरण क कृषि क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र छुटिया के राख चाहे और एक एक्सपर्ट जखन कृषि मंत्रालय में विजय शाहजी छलिन जे नापी के बहुत बड़का विज्ञ छथिन तो हुनका हम सब एक्सपर्ट हायर करने हुनका नेतृत्व में नापी शाखा सुमन जी के नेतृत्व में सेहो तीन टा बैठक हम सब कर चुकल छी। लेकिन अइमे की भेलै आब ढेलियाल के केसे कहब से दिक्कत हेतै द्वारा के चुनाव छलै आ बहुत सारा वार्ड से रिपोर्ट हमरा सब लगने आबि गेल छै आ किछु दू चारि टा वार्ड छूटल छै तथापि हम सब काल्हि खन हम अपने के जानकारी दी आइ 19 गते छै नै काल्हि 20 गते हम सब फाइनल डिसीजन करब जा चुनाव के कारण काम सब बहुते अखन स्थगित बनल स्वीकार करैत उपमहानगर प्रमुख शाह एकीकृत कृषि बाजार के व्यवस्थीकरण करबाक लेल अपना सब लायक पड़ल धारणा रखने छलनि। जनकपुरधाम स्थित संकट मोचन विद्यालय में निर्माण होबय लागल पुस्तकालय भवन के शिलान्यास कयल गेल अछि। सोम दिन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाक उपमेयर किशोरी शाह भवन के शिलान्यास कयलनि अछि। पुस्तकालय स्थापना भेला बाद विद्यार्थी सबके सहजता हेबाक उपमेयर शाह बतौलनि अछि। जे विद्यार्थी बाहर से नहीं किन सकै छै नहीं लऽ सकै छै तो लाइब्रेरी में बैठ के अध्ययन करते पढ़ते जैसे ओकरा शिक्षा में वृद्धि हेतै उ अपन क्लास में अपन वर्ग में अपन सेक्शन में परिपक्व हेतै आ उनकर पढ़ाई लिखाई में सुविधा हेतै आगा बढ़ते। भवन उपमहानगरपालिकाक 15 लाख के लागत में निर्माण होबय लागल छै। ओहि क्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक बलराम शाह पूर्व वड़ा अध्यक्ष मनोज शाह समाजसेवी गणेश शाह प्रमोद शाह मोहन ठाकुर संगे शिक्षक शिक्षिका सबके सहभागिता छलनि। अब अन्य बाकी समाचार मृत्यु के विषय के लक सोम दिन 12 के जीतपुर सिमरा में परिवारजन सब प्रदर्शन के लक बाद तनाव उत्पन्न भेल छ। जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 5 के 35 वर्षीय विजय माझी के गत अघन 15 गते दुर्घटना में पड़िकऽ मृत्यु भेल विषय के लक स्थानीय तथा परिवारजन प्रदर्शन कयने छल। न्यूरो अस्पताल बीरगंज में अघन 15 गते साँझ में हुनक मृत्यु भ गेल छल। पथलिया निजगढ़ सड़क खंड में जारैन लक अयबा क्रम में पहचान होबय नहि सकल सवारी साधन साइकिल में सवार माझी के ठक्कर देने छल। घायल माझी के मृत्यु भेल रहितो रकम अभाव भेला के कारण हुनक सब अस्पताल में रहल छल। बाद में स्थानीय सब चंदा संकलन क करीब 1,80,000 अस्पताल के भुगतानी क रवि दिन सब बुझने छल। बुझने सब सोम दिन सड़क में लाइव को सब प्रदर्शन कलक मृतक माझी के 4 टा बेटा बेटी सब
दुर्घटना बेल 4 दिन भ गेल रहितो पुलिस फरार गाड़ी पकड़ नहीं सकला के बाद बाध्य भ सड़क में सब लाइव का आंदोलन कर पड़ल ओसब बतबत आक्रोशित भीड़ सड़क में अवरोध कला पर सवारी साधन सड़क में अलपत्र पड़ल छल। बागमती नदी कात के सुकुम्बासी सब विरोध प्रदर्शन कलक सोम दिन सयों के संख्या में उपस्थित सुकुम्बासी सब माइती घर से नया बानेश्वर चौक धरि शांतिपूर्ण रैली सहित विरोध प्रदर्शन कलक ओ सब सरकार संग सामाजिक न्याय जमीन ऊपर के अधिकार सुनिश्चितता भूमिहीन सबके सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन कैल जेबाक लगात के मांग राख विरोध जनौलक संयुक्त राष्ट्रीय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल महिला एकता समाज के आयोजना में सुकुम्बासी सबक मांग पूरा कैल जेबाक शर्त सहित आंदोलन में उतरल सुकुम्बासी सब वैकल्पिक व्यवस्था बिना बेघर केनाई के सहन नहीं सकबाक चेतावनी देने हाम्रा औलामा भक्खरे भोट हालेको हाम्रा औलाको मसी सुकेको छैन। आज भोट हालेकै दिन मंसिर 4 गते हाम्रो सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आउने कुरा भएको थियो। अफसोस मंसिर 4 गते नआएर मंसिर 12 गते डोजर ल्याइयो। हामीले भनेका छौं शान्तिपूर्ण ढोका खोलिदिनुस्, शान्तिपूर्ण रूपमा तपाईहरू आउनुस्, वार्ता र संवादको माध्यमबाट हामी देशका समस्या समाधान गरौं। जनयुद्ध समेत वार्ताबाट समाधान भएको मुलुकमा नेपाली सुकुम्बासी सुकुम्बासी सब नागरिकता का अधिकार सुनिश्चित कर लगायत के नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन केने छल। पिछला 24 घंटा में और 4 गोटे में कोरोना COVID-19 संक्रमण भेटल गेल संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,09,011 पुगल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 92 है। मंत्रालय के अनुसार 18 गोटे सोम दिन डिस्चार्ज भ गेल है। एखन धरि घर घूर वाला के संख्या 9,88,800। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देवा संत नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई के 98वां जन्मोत्सव के अवसर में आयोजित भागवत महापुराण यज्ञ में सहभागी भेल अछि। सोम दिन ललितपुर के बाड़े गांव स्थित संत नेता स्वर्गीय भट्टराई के निवास में आयोजित महायज्ञ में प्रधानमंत्री देवा सहभागी भेल छलनि। ओहि अवसर में वो महायज्ञ में पूजा पाठ कर प्रसाद ग्रहण कयने छलनि। तेना ओ संत नेता भट्टराई के सालिक में माल्यार्पण समेत कयने छलथि। बृहस्पतिर ददातु भद्राङ्कारणे स्वस्तिनो बृहस्पतिर ददातु भद्राङ्कारणे विहे स्थानो भिर्व्यासे माहि देवाहितम्। महायज्ञ में नेपाली कांग्रेसक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पूर्व मंत्री शरद सिंह भंडारी लगायतक नेता सब सहभागी भेल छलनि। नेपाली कांग्रेस के संस्थापक नेता पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपालक पहिल सभामुख भट्टराई के नेपाली राजनीतिक सादा जीवन आ उच्च विचारक नेताक रूप में लेल जाइत अछि। ललितपुर महानगरपालिका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अक्षय कोष के निरंतरता देवे लागल अछि। सोम दिन ललितपुर महानगरपालिका आयोजना के स्वयंसेवक सम्मान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम के संबोधन करैत महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबू महर्जन विगत में महानगरपालिका शुरू केने महिला स्वयंसेविका अक्षय कोष के एवर सेहो निरंतरता देबाक धारणा रखलेने छ। पहिला यहाँ चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अक्षय कोष को व्यवस्थापन थियो तर त्यो चाहिँ कारणवश के कति कारणले हो त्यो चाहिँ कन्टीन्यु भएन। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ खासै त्यो चाहिँ कन्टीन्यु भएन। तसर्थ अब हामीले यो वर्षदेखि यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अक्षय कोषलाई चाहिँ हामीले कन्टीन्यु गर्छौँ। यसको निमित्त कति पैसा लाग्छ, यसको निमित्त त्यो बेला कति पैसाको व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यो पैसा चाहिँ हामी अब उपरान्त यो अक्षय कोषमा चाहिँ हामी यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। ललितपुर महानगरपालिका 19वां राष्ट्रीय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस तथा विश्व स्वयंसेवक दिवस मनाने अछि। ओहि अवसर में महानगर स्वयंसेवक सबके सम्मान तथा प्रोत्साहन सेहो कयने छल। महानगरपालिका प्रमुख महर्जन गत स्थानीय निर्वाचन में अपना जितेबाक मुख्य कारक कारण स्वयंसेवक सब रहल समेत बतबैत खुशी व्यक्त कयने छलनि। स्वयंसेविका सभक काज के कारण स्थानीय तह सब में ललितपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट होबय पहुँचल समेत ओ बतौने छलनि। महतारी के पिपरा में यांत्रिकीकरण से गहूम खेती करबाक संबंध में डेमोन्स्ट्रेशन कयल गेल अछि। रवि दिन पिपरा गांवपालिका वार्ड नंबर 3 में बिना खनजोत गहूम खेती प्रविधि के प्रयोग के विषय में किसान सब के जानकारी देल गेल अछि। बिना खनजोत गहूम खेती प्रविधि नाम रहल ई प्रविधि प्रयोग से किसान के बहुत सहयोग पहुँचबाक प्राविधिक सब बतौने छल।
ई यंत्र के प्रयोग से बाँझ खेत में से गहूम खेती कर सकबाक कृषि औजार अनुसंधान केन्द्र के प्रमुख सचिन कुमार मिश्र जानकारी दिलेन। परंपरागत खेती से 50% कम खर्च होबाक, समय के बचत होबाक आ पानी के से 40% बचत होबाक ओ जानकारी दिलेन। हाथ 4 किलो DOP का भी हमसब सेट कयने छियै, आ ई जे हमसब ई लगा रहल छियै, ई प्रविधि के शून्य खनजोत गहूँ प्रविधि कहै छै। बाँझो खेत में हमसब लगबै, ऐसे की होइ छै कि हम हमरा सबके एहिमे हमसब खेती करै छी तऽ कुल लागत खर्च, जेना पारम्परिक जो किसानी तरीका है वैसे हमरा सबके लागत खर्च में लगभग लगभग 50% के बचत एहिमे, एहि तरीका से लगेला मे, आ लगभग लगभग समय के भी 40% के बचत। आ जेना हमसब देखै छियै कि जेना हमसब खनजोत कऽ के लगबै छियै तऽ ओहिमे पानी बेसी लगै छै, आ ई सीधे बाँझो में लाइन में लगा रहल छै, पानी के भी 40% के बचत। एहि तरीका से लगेला से गहूँ भी 10-15 दिन अगाड़ी पकै छै, आ ओकरा काठू में सुविधा होइ छै, लाइन में गहूँ रहै छै मशीन से लगेला से। आ अभी अभी एहि क्षेत्र में हमसब नया नया अभी कृषि अनुसंधान परिषद बेला चापिक ई कार्यक्रम के केन्द्र प्राविधिक सहयोग करैत आयल अछि। कृषि अनुसंधान परिषद बेला चापिक प्रमुख संतोष त्रिपाठी किसान के ई यंत्र के प्रयोग से बहुत राहत हेबाक बतौलन। कम लागत में उत्पादन बेसी हेबाक भेला से ई के प्रयोग कर से हो किसान सब के सुझाव दैत छथि। उनाले मान्छेले के हुन्छ देख्दा बाँझो जग्गामा गरेको छ, थोरै मात्रै जोतिन्छ, यसले गर्दाखेरि नहुने हो कि भनेर किसानहरूलाई जुन डर थियो त्यसैको लागि चाहिँ अहिले हामीले 2 बिगामा गरेर यहाँका किसानहरूलाई हेर्नुहोस्। डेमोन्स्ट्रेसन के क्रममा उपस्थित किसान सब यन्त्र के माध्यम से गहुम आ बिया एकै बेर रखलासँ आब सहज हेबाक कहैत खुशी व्यक्त कयने छलनि। एकर हमरा खेतमे 10 दिन हमरा भऽ गेल करबेला, एहिमे उत्पादन ई यंत्र के बजार मोल 2 लाख रहल सेहो केन्द्र के प्रमुख मिश्र जानकारी दिलेन। नेपाल में खंधेर खेती योग्य जमीन में माटि बिगड़ नहीं देब आवश्यक कानूनी व्यवस्था नहीं भेल पाओल गेल। नवम विश्व माटि दिवस के अवसर में सोमदिन ललितपुर में भेल कार्यक्रम में कृषि विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर रेवती रमन पौडेल एहन खुलासा कयलन। ओ भू संरक्षण संबंधी एहन भेलो पर ओहि में खेती योग्य जमीन के माटि बिगड़ नहीं देब व्यवस्था नहीं भेल स्पष्ट कयलन। महानिर्देशक पौडेल खेती योग्य जमीन के माटि में गुणस्तर कायम कर तत्काल कार्यविधि आनबाक घोषणा समेत कयलन। विषयमा ऐनै नभए पनि केही एउटा मापदण्ड र कार्यविधि अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, के गर्न मिल्छ, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने किसिमका कुराहरूलाई पनि अलिकति हामीले एनालाइसिस गरेर ल्याउन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि यो विषयवस्तु आजको यो दिन मनाइरहँदा, विश्व माटो दिवस मनाइरहँदा त्यसका लागि चाहिँ एउटा प्रचार प्रसारका सामग्री र चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ प्रभावकारी सामग्रीको रूपमा पनि हामीले विकास गर्छौँ होला जस्तो लाग्छ। र अर्को प्रचार प्रसारको कुरा गर्दै गर्दा यो कुराहरू जति पनि नलेजहरू छ त्यो बच्चैदेखि लिएर आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो 7 क्लासको बच्चा विभाग एक वर्ष विद्यालय तहमे अध्ययनरत विद्यार्थी सबके माटिके गुणस्तर सम्बन्धी निबन्ध प्रतियोगिता कराके एहि सम्बन्धी जनचेतना जगेबाक काजमे सेहो जोड़ देने कृषि विभाग जनौलकै छै। विभागके महानिर्देशक पौडेल माटिके उर्वरामे ह्रास होब नहि देबे लेल जनचेतना जगेबाक काज मुख्य भेलासँ सरकार एहिके अगिलका दिनमे प्राथमिकताक साथ अगाडि बढेबाक योजना समेत तय केने बतौलने छै। स्वर सम्राट नारायण गोपालके 32वां पुण्य स्मृति में वरिष्ठ गीतकार राजेन्द्र थापा संगीतकार प्रकाश गुरुंग के सम्मान कयल गेल। स्वर सम्राट नारायण गोपाल के 32वां पुण्य स्मृति के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के बीच अग्रज स्रष्टा द्वय थापा आ गुरुंग के नारायण गोपाल स्मृति सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान कयल गेल। सम्मान कार्यक्रम में वरिष्ठ गीतकार राजेन्द्र थापा नारायण गोपाल के स्वर में भेल मिठास के विषय में अध्ययन आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। गर्नु हुँदैन सरस्वती पुत्र भनेको उपाधि हुनुहुन्न भन्ने नारायणदाईको सबभन्दा बढी उपाधि भइदियो, यो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि उहाँले कहिले रुचाउनु भएन, त्यस्तै हाम्रो पुस्ता थियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ सङ्गीतकार प्रकाश गुरुङ नारायण गोपाल गीत गेलापर घर गुन्जमान हेबाक आ शरीरसँ सेहो मधुर आवाज निकलबाक कहित प्रशंसा कयलनि छ। मको जिउबाट नै आवाज आइरहेछ, घन न न न न न आइरहेछ, त्यो अनुभव हुन्थ्यो, म छक्क पर्ने, मैले धेरै सुनेको छु, धेरै गायक स्वर सम्राट नारायण गोपाल के पुण्य स्मृति सभा विभिन्न स्थान में मनाओल गेल छ। आब स्पोर्ट्स न्यूज
लुम्बिनी प्रदेश उपर 6 विकेट के जीत हाथ पारित सुदूरपश्चिम प्रदेश वाईवाई अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता उपाधि जीत सफल भेल अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न फाइनल खेल में सुदूरपश्चिम प्रदेश अंतिम खेल धरि अपराजित रहित चैंपियन बन सफल भेल अछि। चैंपियन बनबा क्रम में मिलन बोहरा के उत्कृष्ट बॉलिंग रहल। लुम्बिनी प्रस्तुत केने 93 रन के लक्ष्य। सुदूरपश्चिम प्रदेश 21 ओवर में 4 विकेट गुमबैत पूरा केने छल। सुदूरपश्चिम के लिए गजेंद्र बोहरा, अभिजीत 39, दीपक बोहरा 25 आ कप्तान अनुराग सिंह 22 रन जोड़ने छल। लुम्बिनी के लिए रमेश कुर्मी 2 तथा निर्मल गुरुंग, अभिषेक गौतम समान 1-1 विकेट लेने छन्। लुम्बिनी के लिए आकाश त्रिपाठी सर्वाधिक 38 आ नर सार्की 11 रन जोड़ला पर अन्य बैट्समैन सब दोहरा अंक जोड़ नहीं सकलक। सुदूरपश्चिम के लिए मिलन 5, हेमंत धामी आ नरेन साउद समान 2 तथा आकाश चंद 1 विकेट लेने छन्। इस संस्करण के समूह लुम्बिनी सुदूरपश्चिम संग 100 रन से पराजित भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। एखनो गठबंधन की निरंतरता देवाक सत्ता गठबंधन में सहमति। चुनाव के नतीजा गठबंधन के आवश्यकता पुष्टि के जिकिर। वाम गठबंधन के लिए सह प्रयास जारी। सोम दिन माओवादी अध्यक्ष प्रचंड आ एमाले सचिव महासेठ बीच भेटवार्ता। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा उपमहानगरपालिका में 7 सूत्रीय ज्ञापन पत्र पेश। मृत्यु के विषय लगा 12 के जीतपुर में प्रदर्शन। प्रदर्शन के कारण दिन भर सड़क अवरुद्ध। अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट उपाधि सुदूरपश्चिम के लुम्बिनी 6 विकेट से पराजित। अपन न्यूज एखन के लिए लेतबा पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।